वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हमारे साथ हैं मखमली आवाज के मल्लिका, जिनका नाम का मतलब ही आवाज यानी ध्वनि। मेरे ख्याल से आपको गेस करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ ध्वनि भानुशाली की। ध्वनि, वेलकम टू बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। ध्वनि, आपके लेटेस्ट सॉन्ग वास्ते की बात करें या उसके पहले जो गाना आया ले जा तो 400 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे, और वास्ते भी लगभग उसी कगार पर है। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा जब लोगों का प्यार मिलता है तो कैसे उसको आप लेती हैं? आई डोंट नो, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। खुशी होती है कि गाने चल रहे हैं, बट मेरे अकेले का एफर्ट नहीं है, सब पूरा टीम यू नो इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में, और आई थिंक ये सबका जीत है, और आई थिंक एवरीवन इज़ हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। एटलीस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल हु हैव वॉच्ड द सॉन्ग एंड लाइक्ड इट सो फार। और रिसेंटली आपकी एक फ़ोटो वायरल हो गई साहो स्टार हमारे प्रभास के साथ, उसके बारे में क्या कहें? ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मैं हैदराबाद गई थी एज अ फैन मेरी बहन के साथ, और इट वॉज अमेजिंग मीटिंग हिम। वी हैड फूड देयर एंड वी मेट हिम, इट वॉज अ वेरी होमली एटमोसफियर। बहुत मज़ा आया उनसे बात करने में, बहुत डाउन टू अर्थ है। आई नेवर थॉट, पहले तो उनकी हाइट देख के ऐसा लगता है कि बहुत इंटिमिडेट हो जाएंगे, बट ही इज़ सच अ सॉफ्ट हार्टेड, वेरी स्वीट पर्सन। आई लव टॉकिंग टू हिम। और मैं कमेंट्स देख रहा था आपकी फ़ोटो के नीचे, तो लोग बोल रहे थे कि आप कब उनके साथ फिल्म में स्टार करेंगे, कब दिखेंगे उनके साथ में। मैंने देखा ना, आई थिंक ही इज वे टू बिग फॉर मी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सो। आई डोंट नो, आई मीन आई कैन मे बी आई सिंग फॉर हिज मूवी, बट आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू एक्ट। और हम सिर्फ गानों की बात करें, आपकी आवाज़ की तो तारीफ होती है, आप जिस भी सिंगल में फीचर हुए हो आपकी खूबसूरती की भी लोग तारीफ करते हैं, आप कैसे लेती हैं उस चीज़ को? अगेन आई मीन हाउ डू यू टेक कॉम्प्लीमेंट्स, आई जस्ट आई डोंट नो हाउ टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स, आई जस्ट फील गुड अबाउट इट। और बट यू नो लाइक आई सेड, सिंगिंग आई ऑलवेज हैव टू यू नो improve it day by day. I learn new things and if they talk about my face and how I look, I think I just take care of myself and I feel good when people appreciate it. Yeah. Film mein kaam karne ke bhi offer aate honge aapko? Nahi, abhi tak nahi aaya. Abhi tak koi offer nahi aaya. Agar aayenge to kis actor ke saath, kis hero ke saath kaam karna chahenge aap? I don't know. I mean, I'm a Salman Khan fan, a Ranbir Kapoor fan, a Varun Dhawan fan as well, Ranveer Singh, I think all of them. Just, I can't choose right now. Okay, World Music Day की बात करें, संगीत आपके लिए क्या है? संगीत मेरे लिए खुशी है, मुझे खुशी मिलती है जब मैं गाती हूँ, मेरा passion है। मतलब अब मैं कैसे, इट्स द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, जो मोमेंट में मैं जो फील कर रही हूँ, वो आई थिंक सॉन्ग के यू नो ज़रिए शायद मैं जाहिर करती हूँ, जब अकेले में भी होती हूँ। सो व्हेनेवर आई फील सम फील लो, आई विल सिंग अ सॉन्ग लाइक दैट, और यू नो आई थिंक इट्स द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड आई थिंक इट्स दैट फॉर मी, एंड आई फील वेरी हैप्पी एवरी टाइम आई लिसन टू गुड म्यूजिक, एंड एवरी टाइम आई सिंग यू नो द सॉन्ग्स दैट टच माई हार्ट। और आप बहुत कम उम्र से गाना गा रही हैं, स्कूल के ग्रुप में गाना गा रही? कोयर में थी, बट तभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी मैंने। ट्रेनिंग मैंने आई थिंक एक डेढ़ साल हुआ है चालू की, बेसिक्स से। उसके पहले मैं सिर्फ गाती थी, बिकॉज लाइक आई सेड मुझे खुशी मिलती है गाने में। और लेकिन आपको ये पता था कि आपको सिंगर बनना है? मेरी हॉबी थी, मेरा पैशन था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आई एम गुड इनफ टू यू नो डू अ प्लेबैक। सो देन आई मेट हिमेश जी आफ्टर दैट, एंड ही सेड नो यू हैव एन अमेजिंग वॉइस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ट्रेनिंग। सो देन आई स्टार्टेड एंड आई टुक इट अप प्रोफेशनली आफ्टर। आप इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं, आपके जो मीम्स हैं आपके बारे में बन बन के वो इतने वायरल हो रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, आप क्या रिएक्शन है आपका वो मैं देखना चाहता हूँ वो मीम्स पे। ये पहला मीम है आप देखो, आई डिडंट सी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 मोर डेज टू गो, वास्ते व्हाट 10 मोर डेज टू गो। हां, ओह
15 more days. So I'm 10 and this guy is showing 5. Thanks. Okay. One more is there. Okay, show me the best rider. Dude! Okay, when I do that. Okay, God, okay, fine. आपको ध्यान आ रहा है वो गाने का. अच्छा. This one is this. Exactly at 10 a.m. लोगों का ब्रेकअप होता है और इधर हमारी नींद भी नहीं खुलती 10 बजे तक. I'm sorry, I'll change the time next time. This is my night. Your last day of netpack at night. I have not seen these, but at night 12 a.m. exactly at 12 a.m. आज मेरा netpack खत्म हो गया. अरे but this is at 12 a.m. ना. You all have patented 10 on me or this. Okay. ये जब memes आप देखती हैं अपने बारे में आपको कैसा feel होता है? हंसती हूँ मैं और क्या करेंगे. मतलब it's funny. एक और पिक्चर मैं आपकी दिखाना चाहूँगा. मैंने आपके बारे में सर्च कर रहा था और ये बड़ी क्यूट पिक्चर मिली तो मैं आपको दिखाता हूँ. इस पे आपका क्या रिएक्शन है ये बताइए. दिस वन. ओह या दैट्स माय चाइल्डहुड पिक्चर. पिक्चर में आपको याद है आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक कोई फैमिली फंक्शन था. मैं कुछ डांस वांस कर रही होंगी. अच्छा तो ले लिया होगा. ओके okay. अब क्योंकि बचपन की बात आई. नॉर्मली हम लोग के साथ होता है जैसे हम अगर डांस करना जानते हैं या सिंगिंग करना जानते हैं तो घर में कोई भी जब गेस्ट आता है तो हमको बोल दिया जाता है बेटा इन लोगों के सामने डांस करो या सिंग गाना गाओ. आपके साथ ऐसा होता था क्या? नहीं मतलब घर पे कोई आता था तो मम्मी हैंड राइटिंग बताती थी बुक्स खोल के. ऐसा नहीं कि या बोलती थी कि पोएम बोलो कोई. ऐसा कभी गाने को नहीं कहा या नाचने को नहीं कहा. मेरे साथ ये नहीं हुआ है. अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने कई बार कई लोग गाना गा रहे होते हैं लेकिन सुर ठीक नहीं लगा रहे होते हैं. आपको मन में तो फील हो रहा था कि कैसा गा रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अंदर से आपको मन में हो रहा हो कि यार कैसा गाना गा रहे हैं और आपको फिर भी सुनना पड़ा? आई थिंक यू नो समटाइम्स जब लोग बड़ी ऑडियंस के सामने होते हैं तो कभी कभी थोड़ा नर्वस बहुत हो जाते हैं. आई डोंट जज पीपल अगर यू नो थोड़ा सुर इधर उधर हो गया. इट्स फाइन. आई थिंक द फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जो एक्सप्रेशन होता है गाने का अगर वो पकड़ लिया ठीक से और थोड़ा सा सुर इधर उधर है तो ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया धोनी कि आप अपने गानों से अपनी आवाज़ से और अपनी खूबसूरती से इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं. हमने अपने फॉलोअर्स से अपने ऑडियंस से बोला था कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो दें और कई अच्छे क्वेश्चंस आए हैं. मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा. सो चैतन्य सुकरे हैं वो पूछते हैं कि ध्वनि भानुशाली हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली क्योंकि बाकियों के बारे में मुझे पता नहीं है. क्रिकेट का इंटरेस्ट है आप? क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? नहीं बट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखना चाहती थी बट नहीं हुआ. और वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली चाहती होंगी कि इंडिया जीते. अभी इसका दो राय नहीं है इसके बारे में मतलब. ओके अजीत गिरानी पूछते हैं हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड वेयर यू वांट टू सी आफ्टर 5 years? आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ सिंगर हु इज ट्राइंग टू मेक इट and also I want to be a pop star so I'm trying to make videos do more of independent music yeah and 5 years down the lane if you all support me I think I should be somewhere. जी और काफ़ी लोग तो आपको सिंगर के तौर पे तो देखना ही चाहते हैं उसके साथ साथ आपको चाहते हैं कि वो एक्ट भी करें तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो है ना हो गया ना पैकेज. वीडियोस बना तो रही हूँ. यू आर कंप्लीट पैकेज. थैंक यू. फनी टेक है कोई. राहुल सिंह व्हाट वाज द रीजन ऑफ ब्रेकअप एट 10 a.m? देयर वाज नो रीजन ऑफ ब्रेकअप एट 10 a.m. आई डोंट नो. आई थिंक ये सिर्फ इट वाज रिटन बाय राधिका मैम द होल मोनोलॉग और शी जस्ट एडेड 10 a.m. There was no reason for it. And the meme is going viral. We didn't know. So the first time, I think I saw Scoop Whoop put it up and I was like, wow, this is crazy. Because I think it was the fourth or fifth day, or Scoop Whoop ne dala tha. It was M.E.V.A. Bantai's song. Bahut dino baad ladki pe gana. So I was like, it was a funny thing. But then I didn't post it because then people would think I made it happen, like I paid them or something. But I didn't. I mean, it just happened organically. And yeah, I mean,
और आपके फेस पे भी एडोरेबल मीम्स बने हैं, बहुत ही क्यूट भी. क्यूट मीम छोड़ो, मीम छोड़ो, देयर वाज अ स्लॉथ फेस पर्सन जो दे सेड आई लुक लाइक देम. व्हाट इज दिस गाय नेम तात्या व्हाट. I don't look like that, guys. Like, honestly. It's a funny meme. Yeah. I was offended after that. It's okay, no, whatever. लेकिन आप बहुत positively लेती हैं, मैं देख रहा हूँ. It's funny, dude. What are you going to do about it? It's good to be viral, na? Yeah. एक last है, मुश्ताक पूछते हैं, why are you so beautiful? I think genes. I think my father and my mother, they're really good looking. So some of them passed on to me. Maybe that's why I am a little pretty. बेहद ही कमाल. जो हमारे ऑडियंस हैं, जो आपको इस समय बॉलीवुड नाउ पे देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी और एक बार उनको बोल दीजिए कि बॉलीवुड नाउ को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. या आई थिंक दिस इज द मोस्ट फन इंटरव्यू आईव हैड और आई थिंक ही मेड मी सिंग अ लॉट एंड आई लव डूइंग इट एंड सिंस इट्स वर्ल्ड म्यूजिक डे आई थिंक यू शुड फॉलो एंड वॉच बॉलीवुड नाउ एंड यू कैन ऑल्सो कैच दिस इंटरव्यू देयर. थैंक यू सो मच ध्वनि, इतना खूबसूरत और इतना म्यूजिकल इंटरव्यू देने के लिए. वी होप और भी हम मिलते रहें और ऐसे ही म्यूजिकल बातें होती रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.